ओल्ड राजेंद्र नगर की दुनिया, जहां हर साल कई हजार एस्पिरेंट्स अपने सपने पूरे करने के इरादे से आते हैं। ऐसा ही एक सपना मैंने भी देखा और अपना एक बैग और कुछ सामान लेकर इसी भीड़ में शामिल हो गई, भीड़ से अलग कुछ कर दिखाने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा और आज मैं स्टूडेंटों के थ्रू आपको दिखाऊंगी एस्पिरेंट्स की दुनिया मेरी नजर से। आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग एंड इट इज माई अलार्म क्लॉक गिफ्टेड बाय माई मॉम दैट हेल्प्स मी फॉलो माई रूटीन। Then I eat my breakfast. It is winters और बाहर बहुत ठंड है, इसीलिए मेरी पहली शिफ्ट मेरे रूम में ही होती है। So it is 9 AM और 10 बजे से मेरी ऑप्शनल की क्लास होती है, सो आई विल मीट यू ऑल आफ्टर माई क्लास। क्लास से आते ही आई गो टू MS टू हैव लंच, जैसा कि मेरे साथ के काफी एस्पिरेंट्स करते हैं। आज खाने में क्या बना है? आज है मटर मशरूम दाल और अंडा करी, चिकन करी और ये ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, साबुदाने का वड़ा और समोसा बनेगा अभी। दादा एक काम करो, आलू मेथी की सब्जी कर दो और मटर मशरूम दो प्लेन पराठे। ठीक है बैठो। So it is 1:30 PM और लंच भी हो गया है and now I am ready for my second shift. Second shift मेरी लाइब्रेरी में होती है। Now it is evening, so I take a tea. So this is my break where I feel Rajendra Nagar mein everyone looks forward to have a chai break with friends. Of course, ye aapko kafi refresh kar deti hai, so that you get back to your next shift.
मेंस के नोट्स लेने हैं यार. मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था जीएस स्कोर वाला. इस साल इंटरव्यू दिया है उसने, ठीक है, और लगातार दो साल से इंटरव्यू दिया और यही उसने पढ़ाया गवर्नेंस वाला, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सर ने कवर किया. सेम क्लास के नोट्स वाला जो हैंड रिटन नोट्स है ना, मैंने देखा था उसी के पास, तो मैंने देखा भी है, तो वो सजेस्ट भी किया मेरे को. अपकमिंग जो रनिंग बैच है उसके नोट्स है. हाँ, जैसे अपडेटेड मटेरियल होता है ना उस तरीके से, ऐसा नहीं होता तो यार थोड़ा सा पुराना हो जाता तो वो ठीक है, उसको अपडेटेड जो निकालते हैं ना. जीएस स्कोर वाला ने बहुत अच्छी तरीके से निकाला, जैसे जो भी टॉपिक है ना इसकी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया. लाइक 360 डिग्री पूरा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा होलिस्टिकली कवर हो ही जाए. ठीक है, फिर एक बार भैया से बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नेंस वाला और पॉलिटी वाला मैंने देखा है, मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं इनके. ठीक है, भैया से देखते हैं, भैया से बात करते हैं. अब टाइम है मेरी आज की आखिरी शिफ्ट का, अपने रूम की तरफ, क्योंकि शाम के समय फिर से बहुत ठंड बढ़ जाती है और विंटर्स में खासकर यही वो टाइम है जब बीमार पड़ने का बहुत खतरा रहता है और हम एस्पिरेंट्स बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते. और ये रूटीन तब तक फॉलो किया जाता है जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए. हम एस्पिरेंट्स ने कई लोगों से सुना है कि इस एग्जाम में सक्सेस कंसिस्टेंसी से ही आती है, तो मेरी ही तरह कई हजार स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता कहीं इस बार हमारा नाम यूपीएससी के उस रिकमेंडेड लिस्ट वाले उस सरकारी दस्तावेज में आ जाए. So now is the time when I connect with my family. उनसे पूरे दिन की बातें होती हैं, उनसे अपना रूटीन डिस्कस करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है. एक घर में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, एक अलग तरीके की मोटिवेशन है. तो दोस्तों, यही है एस्पिरेंट्स की लाइफ राजेंद्र नगर में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब स्टूडेंटो.